गाइस टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता लग चुका है कौन से प्रोडक्ट्स हैं। अभी हम गौरव को ट्राई करवाएंगे और उसका रिएक्शन लेंगे। गाइस ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, गौरव जी को ट्राई कराएंगे। भाई देख बढ़िया अल्टीमेट प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा। एक बार इस टाइम बस मूड हुआ, रात में मूड हो रहा है यार। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है यो। गौरव भाई सबको ये वाला प्रोडक्ट हम ट्राई कराएंगे। ये लो ट्राई करो। कॉस आरएक्स ट्राई करो भाई ट्राई। बताओ हम बन गए हैं वीडियोग्राफर। बड़ी महंगी बॉटल लग रही है भाई। हैं बड़ी महंगी बॉटल लग रही है भाई। है भाई महंगी बॉटल ही है। सीरम है? हाँ सीरम सा है। यूज कर, कैसे लग रहा है? साथ से बताता रहा है भाई। भाई बढ़िया लग रहा है, तो काफी क्लियर क्रिस्टल जैसा है और इसका टेक्सचर जो है ना, ये भाई इंस्टाग्राम पर वापस आ गया। चल यूज कर, काफी सही लग रहा है। स्मेल कैसी है? सिक्रीशन सी होती है ना जो वो है इसमें। गौरव भाई से अभी ट्राई करवाए, रिएक्शन बहुत बढ़िया था। बिकॉज मेरे को भी तो पहली बार सुनाई दिया था, मेरे को एकदम अजीब सी फीलिंग आई थी। बड़ा जिस इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें, विच इज दी स्नेल 96 म्यूकिन, ये बनता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम स्नेल्स ओनली, जो उनकी सिक्रीशन होती है। मैंने जैसे मजाक किया था कि स्पर्म होता है, बट वो चीज नहीं होती। आपने कभी नोटिस किया हो, जब स्नेल चलती है तो उसके पीछे एक लाइन सी बनी जाती है, वो सिक्रीशन निकलती है, उसको कलेक्ट करके ये फॉर्मुलेशन बनाई जाती है जिसको कहते हैं स्नेल 96 म्यूकिन, जो कि स्किन केयर इंडस्ट्री में एक बहुत ही इनोवेटिव इंग्रेडिएंट है, जो कि कोरिया में बहुत फेमस है एंड ये वर्ल्ड वाइड चीज जा रही है। आपको पता है कोरियन लोगों की स्किन जो है काफी स्मूथ होती है, उनको कहा जाता है ग्लास स्किन बेसिकली। एक बहुत बढ़िया इंग्रेडिएंट है, वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो एंड गारंटीड आपके फेस पर बहुत फर्क महसूस होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा डाउनसाइड ये है गाइस, ये प्रोडक्ट जो है मेरे को काफी एक्सपेंसिव लगे। जब मैंने पहली बार देखा, मैंने रेट की तरह दोबारा से देखा, मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा लगा। हमारा एम ये है कि हमें एक ग्लास स्मूथ स्किन ऐसे अचीव करनी है जो कि बहुत ज्यादा फ्रेश ग्लोइंग लगे और बिल्कुल ऐसा लगे कि आप काफी यंग हो और किसी भी टाइप के स्किन इश्यूज आपको बार बार ना हो। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे फेस वॉश करना है। सेकंड स्टेप इज द टोनिंग। अब यहाँ पे हम AHA और BHA क्लैरिफाइंग टोनर ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो इस टोनर के अंदर अगेन ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज है जो कि एक एक्सफोलिएंट का काम भी करती है, साथ ही साथ आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करती है आफ्टर यू फेस वॉश। जब आप फेस वॉश करते हो आपको काफी ऐसा फील होगा कि बहुत स्किन टाइट होगी है, उसके बाद उसमें हाइड्रेशन प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे वो काम आता है टोनर का। बस इस टोनर के अंदर थोड़ा सा AHA BHA भी है जो कि आपकी स्किन को और ग्लोइंग और डर्ट फ्री बनाता है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, ये है हमारा एक फेस सीरम। अब ये वाला जो सीरम है ये ड्राइव किया गया है 96% ऑफ स्नेल म्यूकिन और बाकी इसके अंदर और चीजें हैं जो कि इसको एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला बनाते हैं फॉर द स्किन। सबसे पहली चीज ये आपकी स्किन को हील करने में हेल्प करता है, कोई रेड स्पॉट वगैरह है उसको बहुत अच्छे से हील करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन में इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपकी थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन है या आपको एक्ने बहुत देखने को मिलते हैं, आपके बहुत पिंपल्स होते हैं, उस चीज को ये कंट्रोल करता है एंड ब्रेकआउट्स बिल्कुल भी होने नहीं देता, जिससे कि ना आपके फेस पे स्कारिंग आती है और आपका फेस हमेशा रेडिएंट एंड ग्लोइंग लगता है। बट इस प्रोडक्ट को मैंने थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया तो मेरे को पता लगा इसमें केमिकल्स वगैरह भी नहीं होते, तो ये चीज आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट ये लोग बोलते हैं किसी एनिमल्स वगैरह को हार्म नहीं करा। तो वैसे देखा जाए ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट एंड आपको वो स्किन के ऊपर बिल्कुल स्मूथ सर्फेस चाहिए, इलास्टिसिटी चाहिए या आपको स्किन के अंदर रेडियंस और स्मूथिंग चाहिए, देन यूज दिस। मैं थोड़ा सा स्नेल म्यूकिन के ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च कर रहा था और मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी कि लोग ना स्नेल अपने फेस पे लगा रहे थे फॉर दैट ग्लोइंग इफेक्ट, तो वो चीज किसी को ना करनी पड़े तो उन्होंने मिला बोलू के ये प्रोडक्ट के अंदर डाल दिया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके स्किन के ऊपर इश्यूज है, आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तभी इसको यूज करना, अदरवाइज आपको फालतू के पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे को फील होता है मेरी स्किन एकदम ठीक ठाक है, मैं बस सिर्फ इस रिव्यू के लिए मैंने ये चीज मंगवाई थी, बट मैं लाइफ में कभी भी मेरे को जरूरत जब तक ना पड़े तब तक मैं नहीं मंगवाऊंगा। तो आपने इस पावर सीरम को कैसे यूज करना है, आपने पहले फेस वॉश किया, टोनर किया, उसके बाद ये सीरम अप्लाई करना है एंड लेट इट ड्राई ऑन इट्स ओन। बहुत ही जेंटली अपने फेस पे अप्लाई करना, बहुत ज्यादा मसाज मत करना, हल्का सा टैप टैप करके एंड लेट इट ड्राई ऑन इट्स ओन, एंड देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे व्हिच इज द मॉइस्चराइजिंग। अब ये है हमारा स्नेल 92 से डेराइव्ड हमारी ऑल इन वन क्रीम, सो बेसिकली ये हमारी ड्राई स्किन पे काम करता है, नॉर्मल स्किन पे भी काम करेगा एंड ऑयली स्किन पे भी बहुत अच्छा काम करेगा। 92 यहां पे लिखा हुआ, दैट मींस यहां पे 92% यहां पे स्नेल म्यूकिन है। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है, बीटेन है, जो कि एक बहुत अच्छा लॉन्ग लास्ट
डिस्गस्टिंग हाइड्रेशन अफेक्ट देता है और आपका पीएच बैलेंस रीइंस्टेट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसके अंदर एडेनोसाइन का भी इंग्रेडिएंट है जो कि हेल्प करता है आपकी स्किन ब्राइट रखने में एंड थोड़ी सी स्किन यंग दिखे उसके लिए भी काम करता है। ओवरऑल बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा। जितने भी एक्सफोलिएंट्स ने काम किया था ताकि वो डस्ट वगैरह रिमूव हो जाए, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम उसको काफी अच्छे तरीके से हाइड्रेट करेगी, पीएच बैलेंस मेंटेन रखेगी एंड इस पूरे रूटीन से जहां पे इनका मेन इंग्रेडिएंट है व्हिच इज स्नेल म्यूकिन, ओवरऑल आपकी स्किन के ऊपर काफी बेनिफिट देने में हेल्प करता है। अब देखो प्रोडक्ट्स तो मैंने ले लिया एंड मैंने 2-3 बार इसको यूज भी किया है, लेकिन इसका एक प्रॉपर रिव्यू 30 डेज का मैं डेफिनेटली आपके सामने जरूर रखूंगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा। देखो डार्क स्पॉट्स वगैरह थोड़े थोड़े तो मेरे को भी है, लेकिन वो कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते, प्लस थोड़े से स्कार्स भी है मेरे फेस पे, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पर क्या इफेक्ट आता है, आपको पूरा रिव्यू एकदम देखने को मिलेगा। कॉमेंट करके थोड़ा सा बताना कि स्नेल म्यूकिन का जब आपने नाम सुना आपके मन में क्या आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओवरऑल लेकिन जितनी भी रिसर्च करी है काफी बेनिफिट लोगों को इससे हुए हैं, उनकी स्किन के ऊपर काफी फर्क महसूस हुआ है, एंटी एजिंग इफेक्ट इसके हैं, तो जितना मैंने अभी तक सुना है उस हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ येस इट हैज वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल, उनकी स्किन के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया, लेकिन मैं इसको पर्सनली यूज करूंगा और तभी आपको मैं बताऊंगा। हमने थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट ट्राई किया था अमेज़न पे, मैं ऐसे थोड़ा बहुत देख रहा था। ऑल्सो गाइस अमेज़न पे बहुत इस टाइम पे जबरदस्त तरीके से सेल चल रही है, आपको पता है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी अभी रिसेंटली आई थी और काफी अच्छे अच्छे हैवी डिस्काउंट्स मिल रहे थे और आज के टाइम भी मिल रहे हैं। जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाए सबके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और गाइस आज की वीडियो आपको थोड़ी सी यूनिक या हेल्पफुल लगी हो तभी हमारी इस वीडियो को लाइक करना और गाइस हमारा चैनल द डायनामाइट मेल तभी सब्सक्राइब करना अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको बहुत ही वर्थी कंटेंट मिलता है, अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। और गाइस इंस्टाग्राम पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज द डायनामाइट मेल। बहुत सारा कंटेंट आता है जो हम YouTube पे नहीं डालते और बहुत ही बढ़िया वायरल कंटेंट हमारा जाता है जो कि काफी हेल्पफुल हुआ है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो, अपने बड़ों का भी ध्यान रखो एंड आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।